देख रहे हैं जो दुकान की तैयारी थी बिल्कुल हो गई है। और दूसरा दोस्तों, वो डाक बम जो सूरी गढ़ा सेवा शिविर था उसकी भी तैयारी हो गई है। महादेव जय बाबा वैद्यनाथ। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू अपडेट में। और अभी हम दिखाते हैं आपको कांवरिया पथ पर, यहाँ से टंकेश्वर से आपको सुइया तक अपडेट। और देखते हैं जो बालू वगैरह पहले हमने आपको दिखाया था कि गिरा हुआ था, बड़ा बड़ा ढेर लगा हुआ था। और अभी देखते हैं कि आज की वीडियो में देखते हैं कवर कर पाते हैं क्या क्या हो रहा है, और बालू वगैरह जो है बिछाया गया नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले तो एक लाइक आप करते ही जाइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन, अगली वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो बजरंग होटल है, अभी तक इसकी कोई तैयारी नहीं है। ये टंकेश्वर वाला बजरंग होटल है, और यहाँ पर देख रहे हैं अभी हम जा रहे हैं, ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार यहाँ पर पूरा सूखी पत्तियों का ढेर इधर उधर से लगा हुआ है। और जो यहाँ पर देख रहे हैं अब बालू का जो ढेर है, तो कुछ ज़्यादा और बालू यहाँ पर गिराया गया है, क्योंकि हमने आपको पहले दिखाया था किस प्रकार बहुत कम बालू था, और अभी देख पा रहे हैं कुछ ज़्यादा बालू का ढेर है। तो लगातार जो है बालू यहाँ पर गिराया ही जा रहा है, और इसकी तैयारी जो है बिल्कुल शुरू होगी और जल्द होगी। और श्रावणी मेला की तैयारी में आप समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट एक ये भी आ रहा है कि जो है इस बार श्रावणी मेला सुनने में आ रहा है, नहीं होगा। तो सुनने का क्या मतलब है, जब कांवरिया पथ पर काम हो रहा है तो होगा क्यों नहीं। और दो चरण में श्रावणी मेला की शुरुआत और तारीख भी घोषित कर दी गई है, तो ये हम कैसे समझ सकते हैं कि नहीं होगा। इसलिए ऐसे कन्फ्यूजन में ना रहें, और लगातार जो है जानकारी आपको लेना है कांवरिया पथ का, श्रावणी मेला का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको सभी जानकारी मिलते रहेगी। और देख रहे हैं यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और कांवरिया पथ पर देख रहे हैं लोकल ग्रामीण आते जाते रहते हैं। और अभी जो है देख रहे हैं बालू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टोर हो गया है, पुराना वाला बिखर गया है इधर से उधर। और हम जो है अपडेट आपको लगातार देते जा रहे हैं, और चलते हैं और भी आगे देखते हैं जो और भी आगे बालू गिरा हुआ था वो किस प्रकार है, वो वहाँ पर जो है आगे बिछाया गया या नहीं, और ये भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आगे जो है दुकान टंकेश्वर से सुइया के बीच में कोई दुकान बन रहा है या नहीं, कोई शिविर लगाया जा रहा है नहीं, तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप जो है लगातार चैनल से जुड़े रहे, आपको श्रावणी मेला की सभी जानकारी मिलती रहेगी, और किसी भी समस्या या दुविधा में ना रहे। हर हर महादेव। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पहला बालू का ढेर एक और मिला था, वो अभी तक देख रहे हैं बालू जो है रखा ही पड़ा है, और यहाँ पर अभी बिछाया नहीं गया है। और इधर में जो दुकान लगा था अभी तक कोई तैयारी नहीं है, और जो आगे देख रहे हैं तो पास वाला दुकान है, बस यूँ ही अभी पहले की तरह लगा हुआ है, पड़ा हुआ है। और तैयारी जैसे ही होगी तो आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा कांवरिया पथ का। और देख रहे हैं, और यहाँ पर भी देख रहे हैं काफ़ी स्थिति खराब है कांवरिया पथ का, और सामने देख पा रहे हैं काफ़ी सारा दुकान जो है इस जगह पर लगाया जाता है, लेकिन अभी कोई दुकान की तैयारी नहीं है, और इधर कोई शिविर की तैयारी भी नहीं है। और आगे भी दिख रहा है जो बालू का ढेर लगा हुआ था अभी तक यूँ ही रखा ही हुआ है, उसे भी अभी तक बिछाया नहीं गया है। देख पा रहे हैं पर पहले से कुछ ज़्यादा और बालू गिरा हुआ है, देख पा रहे हैं इतना ज़्यादा बालू। तो यहाँ देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बालू का ढेर है, ये देख पा रहे हैं, और अभी तक इसको देख रहे हैं बिछाया नहीं जा रहा है, और दोनों साइड में यहाँ पर गिरा हुआ है। और देख पा रहे हैं जो स्थिति है अभी पहले की तरह ख़राब ही है, और कहीं कहीं सही है। और सामने भी देख पा रहे हैं जो दुकान है उसकी भी कोई तैयारी नहीं है। और ये अपडेट आपको जो मिलता जा रहा है ये टंकेश्वर से सुइया तक का मिलता हुआ जा रहा है। और सामने भी देख रहे हैं इस जगह पर भी बालू फिर से गिरा दिया गया है, क्योंकि पहले इस जगह पर नहीं था, और अभी देख रहे हैं वहाँ पर भी गिराया गया है। इससे ये पता चल रहा है कि काम जो है कांवरिया पथ पर जोरों पर है, और तैयारी बिल्कुल जल्द ही शुरू हो जाएगी। और देख रहे हैं यहाँ पर ये गिरा हुआ, पहले ये गिराया नहीं था, ये
देख रहे हैं यहाँ पर लग रहा है एक बड़ा सा ढेर यहाँ पर है, और आगे देख पा रहे हैं किस प्रकार का पेड़ है। तो चलते हैं हम आपको आज सिया तक का पेड़ दिखाते हैं, और यहाँ तक का जो देख रहे हैं सीमित वगैरह दुकान कोई भी तैयारी नहीं है, और जिस चीज़ की यहाँ पर देख रहे हैं शुरू होनी चाहिए और शुरू भी होगी, बस कांवरिया पथ पर गाँव घूमने का इंतजार बाकी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ से जो है सुइया का क्षेत्र शुरू हो जाता है, और देख रहे हैं लगातार जो है हम आप तक अपडेट पहुँचाते जाते हैं, लेकिन देख पा रहे हैं कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है, पानी गिरा है, और लगातार अपडेट हम लेने आते रहते हैं आप सभी के डिमांड पर। ये सभी जो दुकान देख रहे हैं जैसे गिरा हुआ है, तो ये गिरा के छोड़ दिया गया है, और देख पा रहे हैं देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी जो है बालू का ढेर लगा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी है, तो जहाँ पर मेन रोड से नज़दीकी कांवरिया पथ है वहाँ पर ज़्यादा जो है बालू गिरा दिया गया है। और देख पा रहे हैं इस जगह पर दुकान की कोई तैयारी नहीं है, बस धर्मशाला का काम हो रहा है, और आगे देखते हैं और आगे क्या क्या हो पा रहा है। और ये सभी दिख रही है जो दुकान है इसका भी ढलाई का काम हो गया है, जिसको हमने दिखाया था। देख रहे हैं जो दुकान की तैयारी थी बिल्कुल हो गई है, और इसको हमने दिखाया था पहले जो है, अभी दुकान तैयार नहीं हुआ था, अब देख रहे हैं दुकान तैयार हो गया है। और इधर भी बालू का ढेर पहले इतना नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा ढेर हो गया है, क्योंकि यहाँ भी गिराया गया। और इधर देख रहे हैं कि दुकान में जो है काफ़ी ज़्यादा काम तैयारी यहाँ पर शुरू हो गया है। और दूसरा दोस्तों, डाक बम जो सूरी गढ़ा सेवा शिविर था उसकी भी तैयारी हो गई है, जिसका डिमांड आप सभी का पहले था कांवरिया पथ पर, वो इस साइड है देख रहे हैं यहाँ पर सूरी गढ़ा डाक बम सेवा समिति तैयार हो रहा है। ये देखिए ये देख रहे हैं रेन वाटर फिल्टर, इसमें जो है साफ सफाई का काम हो चुका है, और थोड़ा सा जो बचा है उसकी भी हो जाएगी तैयारी। और देख रहे हैं अभी रेन वाटर फिल्टर बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ तक हम देख रहे हैं क्या, और इधर में जो शिविर लगता है अभी यहाँ पर कोई तैयारी नहीं है, बस आगे देख पा रहे हैं यहाँ से नज़र आ रहा है कि जो बांस गिराया गया है, चलिए दिखाते हैं वो किस जगह पर लगता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं बांस वगैरह स्टोर कर दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर तैयारी नहीं हुई है, इसकी भी तैयारी बहुत जल्द हो जाएगी सुइया पहाड़ के इस क्षेत्र में। तो दोस्तों, हमने दिखाया आपको टंकेश्वर से सुइया तक का अपडेट किस प्रकार था, जो जो भी तैयारी थी, और बालू की जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ा दिया गया है, तो लगातार जो है हमने आपको दिखाया कांवरिया पथ पर। और जो अभी जो कांवरिया पथ की स्थिति है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार पत्तियाँ वगैरह बिखरा हुआ है, कहीं देख रहे हैं बालू ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो जो भी स्थिति है उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो है बालू गिरा दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले अपडेट में अगले वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों जाते जाते फिर कहते हैं कि एक लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि अगला अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ सभी भक्तों को।